वीडियो आज की सुबह हम लोग बात करेंगे मेरी दाढ़ी मूंछों के बारे में नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, कल के दिन क्या हो सकता है। तो जैसा कि आज आप लोगों के लिए मैंने सुबह सुबह ट्रेड डाल दी थी और उस ट्रेड डालने की खुशी में मैंने दाढ़ी मूंछ भी आज उड़वा। सबसे पहले गाइस टेलीग्राम चैनल की हमेशा की तरह बात करेंगे। आज देखो कोई अपडेट नहीं था, सिर्फ एक ट्रेड थी। वो ट्रेड थी हमारी क्या, 16,800 का कॉल ऑप्शन, 200 और 180 पे हमारा एक एक लॉट बाय का ऑर्डर था। 200 वाला फिल हो गया था, 180 वाला फिल नहीं हुआ था और हमने वो लॉट 235 पे निकाल दिया था। एक लॉट पे 1,750 रुपए का प्रॉफिट था, मतलब कि दो लॉट पे 3,500 रुपए का प्रॉफिट होता। हम एक लॉट के प्रॉफिट से ही कैलकुलेट करके चलते हैं। एक ट्रेड डाला, 200 रुपए पे खरीदा, 235 पे बेचा। ये आई थिंक और भी बहुत ऊपर गया था इसके बाद शायद, बट हम लोगों ने 235 पे निकाल दिया था। प्रॉफिट हमारा 1,750 था, इन्वेस्टमेंट थी हमारी 10,000 रुपए। ROI निकल कर आया 17.5%। इस ट्रेड ने 17.5% प्रॉफिट दिया एंड दैट्स हाउ वी ट्रेड इन द प्रीमियम। बहुत सारे लोगों को ट्रेड पसंद भी आई, लोगों को नॉट गुड भी लगा, पता नहीं और क्या चीज होता है लोगों के ट्रेड में। देखो गाइस एक ट्रेड से तो करोड़पति नहीं बना जा सकता, कंसिस्टेंटली छोटे छोटे प्रॉफिट से बन सकते हैं, बट चलो कोई बात नहीं। अगर गाइस आप लोगों को ऐसी ट्रेड्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, नीचे लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन करने का ट्राई करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी की, फिर बैंक निफ्टी की, फिर कल के लिए मैं कौन सा ट्रेड लेकर गया हूँ, उसके पीछे क्या लॉजिक है एंड उसके बाद हम ऑप्शन चेन की बात करेंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो रहेगा, एंड तक जरूर देखना। और 4,000 सब्सक्राइबर आज तो करवा दूं कम से कम, मतलब रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ आज तो मैं आप लोगों से, आप क्योंकि रिक्वेस्ट तो यार फिर वही हो जाता है, फॉर ग्रांटेड ले लेते हो आप लोग। रिक्वेस्ट तो देखो मैं नहीं कर रहा हूँ, करवाने होंगे आप लोग करवा दोगे, वैसे करवाने होते तो करवा भी देते। चलो निफ्टी के साथ गए स्टार्ट कर लेते हम लोग। यहाँ पे ओवरऑल अगर हम फिबोनाची की बात करें, काफी अच्छा हम लोग को टॉप लगने से ड्रॉप देखने को मिला। अच्छा, आज के दिन का हमारा व्यू पॉजिटिव था एंड एक ये बात भी थी कि 16,800 के नीचे बड़ा नेगेटिव मोमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि यहां पर ये जो लेवल थे ये प्रॉपर एक सपोर्ट बनना चाहिए था मार्केट को, और ये लेवल जैसे ही टूटा 778-770 के आसपास, वहां से हम लोग को प्रॉपर 200 पॉइंट का फॉल देखने के लिए मिला। ठीक है, अच्छा यहां से आगे अब क्या, यहां से आगे गाइस अब एक यही चीज है कि कल के दिन में 780 का रीटेस्ट अगर मिल जाता तो मजा आ जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बियरिश ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन है तो रीटेस्ट लेना आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब यहां से हम लोग के पास क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, यहां से एक हेड एंड शोल्डर हम लोग को बनता हुआ दिख सकता है, हल्का सा ऊपर जाए, और यहां से एक हेड एंड शोल्डर हमको बनता हुआ बहुत ईजिली कल के दिन के लिए दिख सकता है। ठीक है, तो सारे केसेस को कवर कर लेते हैं। केस नंबर वन है मेरे पास कि कल हम 16,780 जाके वहां से नीचे फॉल करना चाहिए। केस नंबर टू है कि 16,780 जो है वो टूटेगा तो उसके ऊपर फिर हम लोग काफी बुलिश हो जाएंगे। और केस नंबर थ्री है कि हम लोग ये ऊपर वाला लेवल छोड़ ही देते हैं, खत्म करते हैं, हम लोग वेट करते हैं 16,550 का। ठीक है गाइस, तो एक एक केस की बात कर लेते हैं। 16,780 मेरे अकॉर्डिंग ऊपर जाना चाहिए, ये केस मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा लाइकली है क्योंकि कायदे से होना तो यही चाहिए। ठीक है, 16,780 ऊपर ये जाना चाहिए, वहां से इसको रिजेक्ट होकर नीचे आना चाहिए और जो डाउनसाइड है वो कितनी भी हो सकती है। अच्छा, 16,780 कैसे भी इसने तोड़ दिया तो फिर वापस से हमारे टारगेट वही बन जाएंगे जो आज का हाई लगा था 16,930 का, जो कि ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का टारगेट है। तो ये सेकंड केस है, ये हमारा बुल केस है, ये हमारा बियर केस है। 16,550 के नीचे हम लोग बियरिश हो जाएंगे एंड इसके नीचे हमारा जो टारगेट रहेगा 16,450 का रहेगा। गाइस ये ना एक पेपर पेन पे लिख देना, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सीरियसली बता रहा हूँ। पेपर पेन पे नहीं लिखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोगों को लगेगा कि कुछ भी बड़बड़ आ रहा है ये, बट मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ ना गाइस। क्योंकि देखो या तो हम लोग को हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख जाए, हेड एंड शोल्डर बनकर टूटेगा तो बहुत बड़ी फॉल हमको देखने को मिल सकती है 16,300-16,200, है ना। तो सबसे ज्यादा लाइकली केस क्या है कि ये 16,780 तक जाके वहां से फिर ये नीचे टूटना चाहिए। एंड इसी केस के ऊपर मैंने कल स्टार्टिंग के लिए पुट्स सेल किए। अगर मार्केट -50 भी खुलता है, -40 भी खुलता है तो वो पुट ब्रेक इवन पर रहनी चाहिए, आई थिंक इतना डीके हो जाता है, और हल्का सा भी प्लस में खुल गया तो हमारी ये जो पुट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी पुट्स मैंने ली हुई है। ये दो पुट्स गाइस मैंने ली हुई है, 16,800 की पुट सेल की है एंड 16,700 की पुट सेल की है। हल्का सा भी ब्रेक इवन खुला या पॉजिटिव खुला तो इसके अंदर हम लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए। कल वेंसडे है तो डीके अच्छा खासा होना चाहिए, वही से मैं 10,000-8,000 का प्रॉफिट इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूं।
तो ये हमारी ट्रेड है, पुट सेल की हुई है। ऑल्सो आज आई थिंक FOMC मीटिंग भी है, कुछ पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए उसके अंदर से, ठीक है। नेगेटिव आउटकम भी आएगा तो इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि मार्केट नीचे ही गिरेगा, क्योंकि मार्केट पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा टूट चुका है ऑलरेडी, है ना। अगर आप देखोगे आई थिंक पिछले 4 या 5 सेशंस में ही इसने रिलीफ रैली दिया है, नहीं तो अदरवाइज अगर आप एज अ होल लगाओगे यहां से जनवरी के मिड से, तो आपको मार्केट ऑलरेडी 3,000 पॉइंट इजिली टूटता हुआ दिखा है। यहां से भी ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की हमको रिलीफ रैली देखने के लिए मिली है फॉर द अपसाइड। तो इसीलिए अगर FOMC मीटिंग में कोई खराब न्यूज भी आती है, तो मेरे को नहीं लगता कि मार्केट यहां से टूटता टूटता 10,000 और 8,000 हो जाएगा, नहीं, मेरे को नहीं लगता, तो नहीं लगता, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी निफ्टी के लेवल्स की और केस सिनेरियो की। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी सिमिलरली गाइस नहीं तोड़ पाया आज भी, इसको बहुत अच्छा चांस था इस ब्रेकआउट को करने का, एंड कल के लिए वही सेम ओल्ड 35,700 का हमारे पास अब ब्रेकआउट लेवल है। इस लेवल के ऊपर हम लोग बुलिश हो जाएंगे, एंड जब तक इस लाइन के नीचे है जो स्टांस रहना चाहिए वो बियरिश ही रहना चाहिए, ठीक है गाइस। टारगेट मोटा मोटा आप ये लगा लो, ये 34,000 के आसपास का जो गैप है इसको फिल करने का ट्राई करेगा, बट स्टिल अगेन बैंक निफ्टी के मन में जो आता है वो करता है, कभी भी बुलिश रहता है कभी भी बियरिश रहता है। एंड आई थिंक FOMC की जो मीटिंग है उसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो बैंक निफ्टी पर हमको पड़ता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये बात होगी हमारी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की आपको पोजीशन के बारे में बता दें कल के दिन के लिए क्या पोजीशन कैरी किया मैंने, एंड ऑप्शन चेन की गाइस ऑफ कोर्स बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आज हम लोग देखें तो हम लोग को PCR रेशियो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वापस से ही ओवरसोल्ड वाली साइड जाता हुआ दिख रहा है, 10/15.96, मतलब मोटा मोटा ये हो गया आपका 0.66 के आसपास आपको निकलता हुआ दिख रहा है ना। तो ये स्टिल अभी ओवरसोल्ड में है, तो यहाँ से तो ये जो है बाउंस ही इंडिकेट करेगा, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है तो ये बाउंस इंडिकेट करेगा, बट स्टिल आई थिंक ये कल जब मार्केट ऊपर जाएगा 16,780 के आसपास जाएगा, तो इसको हल्का सा रीसेट हो जाना चाहिए 0.8 0.9 की तरफ जाके, एंड वहां से फिर हमको जब फॉल देखने के लिए मिलेगा तो ये और फर्दर नीचे जा सकता है, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड। ओवरऑल जो व्यू है हम लोगों का वो, क्योंकि सेंस एक की लेवल था 16,800 का, वो लेवल अब टूट चुका है, उसके नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा बियरिश हो चुके हैं, बट यस 16,800 वापस टूटेगा। 16,800 इज द की लेवल गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो की है, वो एक मेन स्विंग लेवल है जहां से मार्केट मेक और ब्रेक डिसाइड कर सकते हैं, तो उसके ऊपर बुलिश है उसके नीचे जब तक है बियरिश है, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। एंड दैट्स प्रीटी मच इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, पीस आउट, एंड ज्यादा इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं।